श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माते आप दोनों यहाँ आए इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। परमात्मा आपका कल्याण करेगा, आप उसका नामस्मरण करते रहिए। कुलकर्णियों का वंश बढ़े इतनी ही इच्छा है महाराज। आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी, आप सिर्फ राम पे विश्वास रखिए, वो ही आपका कल्याण करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। संभाजी महाराज का आशीर्वाद सच साबित हुआ। गीताबाई गर्भवती रही, उसका चेहरा अत्यंत तेजोमय दिखाई देने लगा और उसके मुख में सिर्फ राम नाम था। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भगवान का नामस्मरण करो, जाओ। जय जय रघुवीर समर्थ। अरे बैरागी आया है शायद। माँ तुम उन्हें गुड़ पानी दोगी? उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, मैं बाद में आती हूँ। तुम किस लिए? मैं हूँ ना। तुम तो हो ही माँ, लेकिन मैं दर्शन करने आती हूँ। जय श्री राम। माई मुझे अब काशी विश्वेश्वर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु रामचंद्र का दर्शन मुझे यही मिल गया है। जय श्री राम। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। गणू बहुत होशियार हो तुम, एक ही बार मैंने तुम्हें सिखाया और तुम्हें याद भी हो गया। ऐसे ही पढ़कर बड़े आदमी और बड़ा होके भजन करूं, है ना? तुम्हें भजन इतना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। गणपति, अरे गणू यहाँ आओ। अब कल से गुरुजी आने वाले हैं तुम्हें वेद शास्त्र पढ़ाने के लिए, सीखोगे ना?
और सीख के बहुत बड़ा बनूंगा। और क्यों रे गणोबा, बड़ा होने के बाद अगर हमने तुम्हें मटका भर सिक्के दिए तो क्या करोगे उनका? गरीब भिखारी दीन लोगों को बांट दूंगा। अरे तुम राजा हो क्या? अगर मैं राजा बनूंगा तो मैं मेरे राज्य में किसी को भी गरीब नहीं रहने दूंगा और सबको मेरे घर भोजन करने बुलाऊंगा। इतनी समझ कहां से आई बेटा? कौन सिखाता है तुम्हें ये सब? आप ही कहते हो राम सब करता है, तो वो ही मुझे बातें करना सिखाता है। आइए गुरुजी आइए। गुरुजी ये है आपका विद्यार्थी। क्यों गणु बुआ, तो करे कल से शुरुआत। मुझे क्या क्या सिखाओगे? चार वेद और छह शास्त्र। तो कल ही मुझे आप ये सब सिखाइए। गणु बुआ, एक एक वेद को 20 साल और एक एक शास्त्र को 12 साल लगते हैं। इतना समय किसके पास है? इसके मन में क्या है राम ही जाने। गुरुजी व्रतबंध तो हो गया है, लगता है हाथ पीले हो जाने के बाद ही इसका ऐसे अगम्य बोलना कम होगा। पंत, अगर गणोबा की विवाह के बारे में सोच रहे हो तो कुछ बताऊं। खातोड़े गांव के संभाजी राव की लड़की सरस्वती, जैसा नाम वैसे ही गुणी शालीन और रूपवती है। गुरुजी आप कह रहे हैं मतलब अच्छी ही होगी, देखते हैं। ठीक है, कल ही जाता हूँ खातोड़े को, संभाजी राव से मिलके आता हूँ। तदेव लग्नम सुजनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गिरं स्मरामि शुभमंगल सावधान। पंत रावजी और गीताबाई ने गणु का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन गणु का ध्यान गृहस्थी में बिल्कुल नहीं था। उसे लगता था कि पूरा दिन भजन और कीर्तन में व्यतीत हो। आखिर एक दिन मौका देखकर वो गुरु के शोधार्थ घर से बाहर निकले। जाने से पहले उन्होंने अपने माँ को पूर्ण कल्पना दी थी, इसीलिए घर वालों ने उन्हें ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। उनका गुरु शोध शुरू हुआ। पिछले 8 महीने मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, लेकिन तुम बिल्कुल विचलित नहीं हुए। मेरी सब विद्याएं तुमने अच्छी तरह से आत्मसात की। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। बेटा, इतनी छोटी आयु में घर बार और माँ बाप को छोड़ के मेरे पास आए, इसका फल तुम्हें परमात्मा जरूर देगा। जो ऋषि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को जो दिया वही मैं तुम्हें आज देता हूँ।
श्री राम जय राम जय जय राम। इस जाप से राम की उपासना करो। प्रपंच में रहने वालों को प्रपंच में रह के परमार्थ कैसे किया जाता है वो बताओ। राम मंदिर की स्थापना करके राम नाम का प्रसार करो। आज से तुम ब्रह्म चैतन्य के नाम से जाने जाओगे। ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। उसके बाद गोंदवले के कुलकर्णी घराने का गणु ब्रह्म चैतन्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। तुका माई का आशीर्वाद लेकर महाराज हिमालय, नैमिषारण्य, अयोध्या, काशी, प्रयाग, इंदौर ऐसे तीर्थ क्षेत्र होकर गोंदवले वापस आ गए। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। रुकिए, गुड़ चावल लेकर आती हूँ। माई, मुझे वो भिक्षा नहीं चाहिए। घर के पिछले कोने में दही का बर्तन है, वो ले आओ। ठीक है। गणु, अरे सरस्वती, देखो मेरा गणु आया है। गणु, गणु। गणु, 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 गणु कहाँ था इतने दिन? अरे अरे, मेरा गणु आ गया, मेरा गणु आ गया, देखो मेरा गणु आ गया। सरस्वती, तुम्हारा पति आया है, अब संभाल के रखना उसे, जरा भी दूर मत जाने देना। गणोबा, अब घर छोड़कर कहीं मत जाना, और जाना ही है तो बहू को साथ लेकर जाना। बहुत चिंता करती रहती है रे, बहुत चिंता करती है। चलो चलो, पहले घर चलो, चलो अंदर चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या हुआ श्री राम? कुछ चाहिए आपको? तुकामाई के पास जाने की इच्छा हो रही है, मैं चलता हूँ, मुझे जाना ही होगा। इतने रात को? हाँ, मुझे उनसे मिलना ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। जिस गुरु से मिलने के लिए आप इतने आतुर हैं, उन्हें मुझे भी मिलना है। मैं भी आऊंगी आपके साथ। तुम नहीं आ सकती। मैं आऊंगी आपके साथ। देखो, रात बहुत हो चुकी है, तुम मत आओ। लेकिन मुझे माजी ने बोला है आपके साथ रहने के लिए, मैं आऊंगी। एक बार कह दिया ना, तुम नहीं आओगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आऊंगी आपके साथ। ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सरस्वती, तुकामाई के दर्शन लेने के लिए तुम ही लायक हो। चलो चलो,
श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें तुकामाई का दर्शन करवा तो दिया, पर तुकामाई से तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा, ये वरदान मांगकर तुमने गलती कर दी। तुकामाई इस जगत की कोई भी चीज दे सकते हैं, यह सत्य है, पर उस चीज की अशाश्वतता जानकर भी वो चीज हम क्यों मांगे। तुकामाई की कृपा से हमें पुत्र होगा, पर वो अल्पायुषी होगा। मेरी स्त्री बुद्धि ने मुझे फंसाया है, इसका मुझे बहुत दुख है, पर इस देह के मालिक आप हैं, इसका सार्थक करना आपके हाथ में है। आप मुझे मार्ग दिखाइए। ठीक है, मैं तुम्हें योग दीक्षा दूंगा, पर वो दीक्षा मिलने तक तुम्हें गृहस्थाश्रम का त्याग करना होगा। सरस्वती को गृहस्थाश्रम में वापस लौटते समय बहुत समाधान महसूस हुआ। अब उसे राम नाम का महत्व समझ में आया था। गले में मंगलसूत्र पहने सरस्वती का रूप तेजस्वी दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम्हें बहुत कष्ट हुए, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। माँ, माँ ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कैसे बताऊं तुमको, आप बहुत भाग्यशाली हो इसलिए आपको ऐसा जमाई मिला है। ये मत भूलिए, उन्होंने मेरा कल्याण ही किया है। सरस्वती, गणु जैसे अब तुम भी ध्यान कर रही हो? सच बताऊं तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बेटी, स्त्री का जन्म मां बने बिना सार्थक नहीं होता, और ये स्त्री का कर्तव्य ही है ना। और गणु, अब थोड़े दिन तो हमारे साथ रहो, हमेशा कहीं ना कहीं भटकते रहते हो, और इसकी तरफ जरा ध्यान दो। इसके बाद सरस्वती गर्भवती हुई, उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कुछ ही महीनों में उस पुत्र का देहांत हो गया। थोड़े ही दिनों बाद सरस्वती को बुखार चढ़ने लगा। उसका अंतकाल समीप आया है, ये बात महाराज ने उसे बड़ी खूबी से समझाई। इस घटना का निर्भयता से सामना करने का तेज उसमें था ही। आखिरी दिन आने पर उसने स्नान करवाने की इच्छा व्यक्त की। उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, फिर उसने महाराज के पैरों का तीर्थ लिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। और सिद्धासन में बैठकर नाम लेते हुए शांति से अपने प्राण त्याग दिए। अंतिम चरण में गीताबाई का साथ राव जी ने छोड़ दिया। बुढ़ापे से उनकी मृत्यु हुई, गीताबाई बहुत अकेली हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम।
हो गया काम? काम करके सब थक गए होंगे, थोड़ा सा खा लो और आराम कर लो तुम भी। माँ जी, आपके वजह से तो मिलता है खाना। अरे मेरा क्या है, गणु का राम मार्ग दिखाता है और हम उस पे चलते हैं। श्री राम, आज के जैसा मेरा राम आपको मार्ग दिखाता रहेगा। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, पर जब तक मेरा राम मेरे साथ है, इस गांव में अन्न की कोई कमी नहीं होगी। लीजिए, खा लीजिए। वदनिक वळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणिजे यज्ञ कर्म। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लीजिए, खा लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गणु, अब इस जीवन में तुम्हारा राम मुझे और क्या क्या दिखाएगा कौन जाने। माँ, जन्म लेने वाला हर कोई अपनी मृत्यु साथ ही लेकर आता है, उसमें मेरे राम का क्या दोष? थोड़ा कुछ अघटित हो गया तो हर कोई मेरे राम को दोष देने लगता है। सच कहूं तो आई, प्रपंच में अनुकूल परिस्थिति से ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति ही परमार्थ के लिए ज्यादा आवश्यक होती है। श्री राम जय राम जय जय राम। सच कह रहे हो तुम। गणु, जो तुम कह रहे हो वो सच है बाबा, लेकिन मैं हूं घर बार संभालने वाली, उससे मन नहीं छूटता मेरा। मेरी सारी इच्छा आकांक्षाएं जीवित है बेटा। मां, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? गणु, मेरी एक बात सुनोगे? अभी तक तुम्हारी शादी की उम्र है, तुम फिर से शादी करो, इस घर में फिर से सरस्वती आए, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं तो अब कुछ ही दिन की मेहमान हूं बेटा, मेरे जाने से पहले तुम्हारा बसा हुआ घर देखने की इच्छा है बेटा। गणु, मानोगे मेरी बात? करोगे मेरे लिए इतना? मां, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, पर एक शर्त पर। लड़की मैं खुद चुनूंगा, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं शादी करूंगा, जितना हो सके उतनी अच्छी गृहस्थी करूंगा। पर मैं जिस लड़की को ब्याह कर लाऊंगा उसका तुम्हें स्वीकार करना होगा। गणु, तुम जो भी कहोगे वो सब मान्य है मुझे, तुम्हारी गृहस्थी फिर से बस जाए इतनी ही इच्छा है मेरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री महाराज, आप मुझे बुला लिया होता तो मैं खुद आ जाता, आपने यहां आने का कष्ट क्यों उठाया? उसमें कैसे कष्ट, मेरा एक जरूरी काम था आपके पास, इसलिए आपको कष्ट देना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं खुद ही आ गया। आइए बैठिए।
श्री राम। पहले दूध पी लीजिए, फिर बातें होंगी। पहले बात करना उचित होगा। आपकी बेटियां शादी की उम्र की है ना? हाँ। हमें से एक को विवाह करना है, इसलिए मैं लड़की देखने आया हूं। आपकी ये कन्या अंध है ना? हाँ, ये यमुना। मुझे लड़की पसंद है। सखाराम पंत, विवाह मुझे ही करना है। पर मैं ठहरा ऐसा गोसावी, इसलिए लड़की देने का निर्णय आप ही लेंगे। श्री महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे बेटी का विवाह आपसे हो रहा है। यमुना को किसी भी वक्त आप ले जा सकते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से, यहां दहलीज है। हाँ, आओ, रुको यहां। माँ, माँ, ये तुम्हारी नई बहू। ये बहू ऐसी है कि तुम्हें कभी भी नजर उठा के नहीं देखेगी। गणू, तुम कब क्या करोगे इसका कोई भरोसा नहीं बाबा। ठीक है, इसका नाम भी सरस्वती ही रखते हैं। पैर छुओ, यहां। वामन, बहुत दिनों से मन में एक वेद घूम रहा है। आप बस बता दीजिए महाराज, बाकी सब हम देख लेंगे। नहीं, वो तो मैं जानता ही हूं। गोंदवले में मिलने आने वालों की संख्या बढ़ रही है, पर उनके रहने की यहां व्यवस्था नहीं है। उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, ऐसा मन में है। ये कल्पना बहुत अच्छी है और आवश्यक भी है, और राम नाम जपने वालों को छत भी मिल जाएगा। सच है, बिल्कुल सच है। हमारे घर के आंगन में ही राम का मंदिर बनाया जाए, आगे वो ही जाने। तो शीघ्र ही शुरुआत करते हैं, किंतु इसके लिए आवश्यक सामान, मूर्तियां, ये सब कैसे आएगा? अरे उसकी चिंता क्यों करते हो? हम रामराया का मंदिर बना रहे हैं, उसकी चिंता वो ही करेगा। हम क्यों उस बारे में सोचे? वो आज्ञा करेगा और हमें सिर्फ उसका पालन करना है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और मंदिर की तैयारी शुरू हुई। मंदिर के कामकाज के लिए महाराज ने गांव के ही मजदूर और सुतारों को काम सौंप दिया। मंदिर का नक्शा उन्होंने खुद तैयार किया। उन्होंने किसी से पैसे की मदद नहीं ली, परंतु हर रोज दर्शन के लिए आने वाले लोग उनके सामने जो भी द्रव्य रखते, उस पर ही व्यवहार चलता था। कई बार मजदूरों को पैसों के बदले दो वक्त का खाना देकर काम शुरू रखा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। महाराज, मंदिर का निर्माण तो हो चुका, किंतु मूर्तियां? वामन, हम जिनका मंदिर बना रहे हैं वो स्वयं चले आएंगे। जाओ घर जाके कहो कि आज अतिथि आने वाले हैं, कुछ मीठा बनाओ, हमारा भक्त उन्हें लेने गया है। श्री राम, श्री राम। चलो, तब तक हम भजन करते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम।
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम महाराज 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 देखो महाराज हमारे पास भगवान राम आए हैं। श्री राम श्री राम महाराज महाराज मैं तरवड़े गांव का कुलकर्णी मैं राम मंदिर बनाने चला था लेकिन लेकिन उसमें विघ्न आ गया। मेरे पास बहुत धन होकर भी मैं राम मंदिर नहीं बना सका। लेकिन महाराज पिछले 3 रातों से ये राम की मूरत मेरे सपने में आ रही थी और कह रही थी अरे मुझे कितने दिन बंद करके रखोगे मुझे गोंदवले गांव में ब्रह्म चैतन्य के पास ले चलो। महाराज महाराज ये आपका राम राया है महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो बताओ, मैं वो जरूर पूरी करूंगा। गणु अब मेरी क्या इच्छा होगी? तुम्हारा कार्य और लोगों का तुम पर प्रेम देखकर मैं धन्य हो गई। मैं तो अब थक चुकी हूं बेटा, बस एक इच्छा है, एक बार मुझे काशी यात्रा करनी है। गंगा स्नान करके काशी विश्वेश्वर का दर्शन लेके देह सार्थक हो जाएगा। वाह अति उत्तम, हम कल ही निकलते हैं। कल हम काशी यात्रा जाएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा? लोग घर की एक भी चीज टिकने नहीं देंगे। आई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरी व्यवस्था करता हूं। मैं भी चलती हूं आपके साथ। नहीं तुम अपने मायके चली जाओ, हम दोनों बाद में जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। घर की तरफ सब लोग ध्यान देना, मैं काशी यात्रा जाकर आती हूँ। आई गांव वालों आपको जो भी यहां से ले जाना है ले जाओ ले जाओ। देखा अब कोई भी बंधन पीछे नहीं छूटा, अब किसी प्रकार का मोह नहीं बचा, चलो निकलते हैं। गणू
मुझे लग रहा था तुम प्रपंच करना सीख गए हो, लेकिन नहीं रे, तुम अभी भी बैरागी ही हो। तुम कब क्या करोगे इसका कोई भरोसा नहीं रे बाबा। आई, तुम्हारा ध्यान प्रपंच में ही अटका रहा तो तुम विश्वेश्वर के दर्शन कैसे पाओगी? तुम्हें विश्वेश्वर का दर्शन मिले इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। जीवन का थोड़ा समय हमें राम को समर्पित करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। चलो, श्री राम जय राम जय जय राम। तुमने मुझे काशी यात्रा करवा दी, मेरा जीवन सार्थक हो गया बाबा। शरयू का स्नान हुआ, दान धर्म किया, अब मैं चैन से मरने के लिए तैयार हूं बाबा। ऐसे क्यों बोल रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटी। गणु, यहाँ के गोसावियों को, बैरागियों को कुछ देने की इच्छा है। ठीक है, तुम्हारे बिस्तर के नीचे पैसे रखे हैं। तुम्हें जिसे जितने पैसे देने हो दे दो। बिस्तर के नीचे ठीक से देखो, तुम्हें मिल जाएंगे पैसे। बिस्तर के नीचे? ये भी विद्या है तुम्हारे पास गणू, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। आई, इस विद्या का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। आई, क्या तुम्हारी और कोई इच्छा पूर्ण होनी बाकी है? नहीं रे बाबा, बस तुम्हारे पास रहकर आखिरी बार राम नाम लेने की इच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। वामन, निसर्ग का ये रौद्र रूप देखा नहीं जाता। भूमि सूख चुकी है। सरकार ने काम पे बुलाया किंतु वेतन कोई नहीं देता। जानवर भी तो भूखे हैं। सच है, पैसे बिल्कुल नहीं है। इस पर कोई निश्चित उपाय करना होगा। रामराया, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुना, गांव में ब्रह्म चैतन्य आए हैं, मगर मैं भी कुछ कम नहीं। मैंने उन्हें उनके शिष्यों के समवेत अपने घर कल भोजन का निमंत्रण दिया है। कल? अजी, यहाँ पे बच्चे की तबीयत इतनी खराब है और ऐसे में मैं सबका खाना कैसे बनाऊंगी? अरे, मैंने उस महापुरुष के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता तब तक मैं उन पे भरोसा नहीं करूंगा। और इसीलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने उन्हें कल अपने घर भोजन पे बुलाया है। परीक्षा? देखो, वो नहीं जानते कि हमारा बेटा बीमार है, और इसीलिए उनके दिव्य स्पर्श से कुछ होता है कि नहीं देखेंगे। अजी, अरे अरे, क्या हुआ है अपने बेटे को? अजी, हमारा बच्चा, अजी, उसकी सांसें, ये क्या हो गया है सब? Thank you.
महाराज, ये हमारा बच्चा कल रात ही हमें छोड़कर चल बसा। इसे छोड़ के आप कैसे खाओगे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माई, बालक अभी भी जीवित है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक बहुत महापुरुष देखे महाराज, मगर आप जैसा कोई नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री राम श्री राम। राव साहेब, पुरानी बातें भूल जाओ। आज से तुम्हें श्री समर्थ ने अपना माना है। आने वाले दास नवमी को उनके दर्शन के लिए सज्जनगढ़ जाओ। रामराया ने इस बालक को बचाया है, उसे मत भूलो। उसका नाम स्मरण करते रहो। श्री राम तुम्हारी और तुम्हारे बालक की रक्षा करेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज मैं नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान करूंगा। मनुष्य का वर्तन कैसा हो, ये मैंने आप सबसे कहा है। राम को नहीं भूलना। मेरे पश्चात आप नामस्मरण करके सुख शांति से जीवन बिताओ। ये ऐसा निर्णय, और ये ऐसे अचानक? उनका बुलावा आया है, मुझे जाना ही होगा। तुम नामस्मरण में समय बिताओ, और इन सबसे भी वही कहो, आज मुझे गोंदवले छोड़ना ही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राया, तुम्हारे सहवास का आनंद क्या कहूं। आज तक तुम्हारे छाया में मैं रहा, मेरे पश्चात इन सबको संभालो और अब मुझे आज्ञा दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, राम जी और सीता मां आंसू बहा रहे हैं। रामराया, मैं यहां से जा रहा हूं इसलिए रो रहे हूं।
अगर मैं ना जाऊं ऐसा तुम चाहते हो तो मैं नहीं जाऊंगा, पर तुम रो मत। देखो मैं रुक गया, पर राम राया तुम रोना नहीं, अपने आंसू रोक दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूना से कोई शास्त्री बुआ आए हैं। ठीक है, भेज दो उन्हें, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उन्हें अंदर तो भेजो, उन्हें भी प्रसाद दे दूंगा थोड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए शास्त्री बुआ, लीजिए प्रसाद लीजिए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, यहाँ से जा रहा था, सोचा मिलता चलूं। बहुत कुछ यानी क्या सुना आपने? कहते हैं आप साधु हो। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। आप खुद को क्या समझते हो? मैं राम का नाम लेने वाला केवल एक दास हूँ, नामस्मरण करने वाला केवल एक सामान्य आदमी हूँ। आपको लोगों से क्या चाहिए? आप लोगों को उपदेश क्यों करते हैं? मैं उपदेश नहीं करता, पर अगर लोग मेरे पास आए तो मैं सिर्फ उन्हें राम का नाम लो इतना ही कहता हूँ। आपने कभी ईश्वर देखा है क्या? हाँ देखा है। तो हमें भी दिखाएंगे क्या? जरूर, पर उसके लिए ज्ञान चक्षु होने चाहिए। तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए? ईश्वर का नाम स्मरण करके, राम नाम का जाप करके। तो इसका मतलब राम राम कहने से राम मिलते हैं, ये समझ में नहीं आता। अरे पैसे के नाम का जाप करने से पैसा थोड़े ही ना मिलता है, हाँ? शास्त्री बुआ बैठो बैठो बैठो। शास्त्री बुआ आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, कम से कम आप तो ऐसे प्रश्न मत पूछिए। भगवंत के प्राप्ति के लिए बने हुए नियम और व्यवहार के वस्तुओं के लिए बने हुए सारे नियम, इसमें निश्चित ही अंतर है। मन में अगर वासना जागृत हुई तो उसके तृप्ति के लिए देह का और वस्तुओं का उपयोग करना ये व्यवहार है, पर सूक्ष्म ईश्वर की अलग बात होती है। उसके प्राप्ति के लिए जड़ता से सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ता है। सिर्फ पैसा पैसा ऐसा जाप करके पैसा नहीं मिलेगा, ये सच है, पर देह से और सूक्ष्म से करीबी रिश्ता बताने वाला केवल नाम ही होता है। किंबहुना पूरी सूक्ष्म सृष्टि का अंतर्भाव श्रुति नाम में ही करती है। नाम और ओंकार एक ही है, नाम और ओंकार एक ही है। महाराज महाराज, नाम कौन सा और कैसे लिया जाए? शास्त्री बुआ अपने पसंद का और संतों ने लिया हुआ नाम लो। हम अपने पुत्र को जिस आत्मीयता से बुलाते हैं उसी आत्मीयता से भगवान को पुकारना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज
महाराज मुझे अनुग्रह दीजिए। चलो, दत्त जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ। ये उत्सव ऐसी ही धूमधाम से मनाते रहो। महाराज, आपके रहते सब अच्छा ही होगा। किसे पता मैं और कितने दिन जीऊंगा। जब श्रीराम बुलाएंगे तो चल पड़ूंगा। चलो भजन करते हैं। दिसंबर 1913 को मार्गशीर्ष महीने के आखिरी सोमवार राम नाम लेते हुए महाराज ने आखिरी सांस ली। हमारे त्राता नहीं रहे, आधार छूट गया, ऐसा सबको लगने लगा। श्रीराम के प्रयाण के बाद जैसे अयोध्या निष्प्रभ हो गई, वैसे ही गोंदवले की स्थिति हो गई। लेकिन महाराज का राम नाम का मंत्र आज भी वहां पढ़ा जाता है। जहाँ नाम वही मेरे प्राण, ऐसा कहने वाले महाराज आज भी गोंदवले में वास्तव्य करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। महाराज की पुण्यतिथि को आज भी बहुत सारे लोग बड़े भक्तिभाव से आते हैं। महाराज ने गोंदवले में शुरू किया हुआ अन्न छत्र आज भी शुरू है और मुख में राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम।